दुबई में भारत पाकिस्तान मुकाबले का रोमांच थमते ही आईपीएल से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर हलचल भी तेज है। हलचल बढ़नी भी चाहिए क्योंकि मामला उन दो नई टीमों से जुड़ा है जिनका ऐलान हो गया। जी हां, आईपीएल में अब तक तो आप सिर्फ 8 टीमों का टशन देखते आए हैं, लेकिन 2022 का सीजन जरा हटकर होगा। यहां 8 नहीं 10 टीमें खेलती दिखेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की दो नई टीमों लखनऊ और अहमदाबाद के लिए सोमवार को दुबई में बोली लगी। लखनऊ टीम को संजीव गोयनका की अगुवाई वाले आरपीएसजी समूह ने 7,090 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर अपने नाम किया। इससे पहले आईपीएल में दो साल 2016 और 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का स्वामित्व भी उनके ही पास था। इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ और अहमदाबाद टीमों के लिए कुल 12,715 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीसीसीआई को 2022 से आईपीएल में हिस्सा लेने वाली दो नई टीमों से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 12,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। दुबई में हुई बोली में अडानी ग्रुप, टोरंट और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी बोली 5,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंच सकी। बता दें कि अहमदाबाद की टीम को सीवीसी कैपिटल ग्रुप ने खरीदा है। लखनऊ टीम को खरीदने की होड़ में देश और एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर गौतम अडानी का अडानी समूह भी शामिल था। अडानी ग्रुप ने इसके लिए 5,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई, लेकिन बाजी गोयनका के हाथ लगी। 2008 में मुकेश अंबानी ने हाई प्रोफाइल मुंबई इंडियंस को 11,019 करोड़ रुपए में खरीदा था। 13 साल बाद लखनऊ की टीम के लिए उससे 9 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदा गया। संजीव गोयनका देश के जाने माने उद्योगपतियों में शामिल हैं। उनके आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला है। इनमें पावर, कार्बन ब्लैक, ITES, कंज्यूमर एंड रिटेल, मीडिया एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हैं। इस ग्रुप में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। 60 साल के संजीव गोयनका आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनकी नेटवर्थ 4.3 अरब डॉलर है। साल 2001 में वह CII के अध्यक्ष बने थे। वह IIT खड़गपुर में बोर्ड ऑफ गवर्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग परिषद के सदस्य भी रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर RSSG ने इतना पैसा लगाया क्यों। दरअसल गोयनका ने कहा कि आईपीएल में इससे बड़े ब्रांड तैयार किए गए हैं। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग्स को देखिए, कुछ अन्य को भी देखिए, वे बड़े नाम हैं, देश के सबसे बड़े ब्रांड में शामिल। गोयनका ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि भविष्य में मूल्यांकन में इजाफा होगा, हमने जो निवेश किया है वह 10 साल में कई गुना बढ़ सकता है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।